हर क्षेत्र में तुम यूं मत सोचो कि आपका बेटा एजुकेशन में आगे आएगा, कहीं ये भी तो सोचो कि आपके बेटे की मानसिकता क्या है। एक बाप ने अपने बेटे को 100 रुपया दिया था और 100 रुपया बेटे ने पूछा, पापा 100 का क्या करना है? बाप ने बोला 100 आज देता हूँ, शाम को तो मुझे बता देना, 100 रुपये का आउटपुट तो नहीं क्या पाया। ऐसी जगह पे 100 इन्वेस्ट करना है जहाँ आउटपुट तुझे ज़्यादा मिले, ठीक है। 8 साल का बेटा निकलेगा, बाप देखना चाहता था व्हाट इज द एबिलिटी, बाप सोचना चाहता कि बेटे के मन में क्या है, वो कहाँ क्या निकल सकता है बाहर। उसके मन में 100 रुपये की नोट दे रखी। शाम को बेटा आया, बेटे के चेहरे पे मुस्कान थी। पिताजी पूछे इसके पहले, बेटे ने बता दिया, पापा वो 100 दिया था ना, मालूम है क्या हुआ गया? क्या हुआ? आपसे 100 लेकर के जाता था और रास्ते में एक गरीब देखा, एक गरीब माँ देखी जिसकी अंगुली पे 2 बेटे थे, वो धीरे धीरे जा रहे थे। मैं छोटी उम्र का था, मेरे सामने बेटे ने देखा, उनको मालूम नहीं था मेरे पास 100 की नोट है, मगर गुरुदेव माँ के चेहरे पे देखा। तब माँ को मैंने पूछा, आपके बेटे को कुछ खिलाया? नहीं, अभी 10 बजा है, भीख में शायद मिलेगा तो मेरे बेटे को मैं खिला दूंगी। और पप्पा कोने में जाकर के मैंने माँ को 100 दे दिया। मेरे सामने देखने लगी, तू मुझे 100 दे रहा है? हाँ। और वो केला जो कुछ भी लाना था पप्पा तीनों ने खा लिया। क्या चेहरे पे मुस्कान थी पप्पा, सच बताओ इनके चेहरे पे मुस्कान तो जो थी वो मैं पागल बन गया था। मेरे 100 रुपया देने से किसी परिवार के मुंह पे मैं इतनी तेजी इतनी चमक ला सकता हूँ। पप्पा ये 100 का खर्च मैंने वहाँ कर दिया। और पप्पा ने धीरे से पूछा, बेटा मैंने वो पूछा था आउटपुट अच्छा मिलना चाहिए, पप्पा इससे तो और अच्छा आउटपुट क्या हो सकता है? 100 देने के बाद कोई 3 लोग पागल पागल बन जाए, मुझे धन्यवाद दे, मुझे आशीर्वाद दे, मुझे दुआ दे, पप्पा इससे तो ज़्यादा आउटपुट क्या हो सकता है? पहली बार बाप ने सोचा 100 का आउटपुट स्माइल भी तो हो सकता है, नॉट प्रॉफिट बट स्माइल। और यही बाप ने देख करके पहली बार बेटे के चेहरे पे देखा, मेरे की बेटे की आंख में देखा और पापा खुश हो गए। अभी देखो क्या हो गया, खुश होकर के पापा ने जेब में से 100 की 10 नोट निकाल दी और एक साथ बेटे को 1000 रुपया दे दिया। बेटा आज 100 का तूने जो कमाल कर दिया, किसी के चेहरे पे मुस्कान लाने में 100 का उपयोग कर दिया, मेरी ओर से बेटा 1000। और तब बेटे ने मजाक से पापा को कहा, पापा वहाँ मुस्कान मिली, यहाँ 100 का 1000 मिला, आउटपुट इससे तो और अच्छा ज़्यादा क्या मिल सकता है? 100 दिया और 1000, सच बोलो मैं पूछता हूँ आपके बेटे की एबिलिटी तुमने कभी निकाली? सिर्फ एक ही एबिलिटी बेटा, ये एमकॉम में LLB ने 90% 90-95% लाना, एक ही एबिलिटी। मेरा बेटा कमजोर रहेगा, मेरा बेटा कुछ पढ़ने में कमी, एक ही। आपके बेटे को तुमने कभी आंगी का सामान दे दिया? बेटा 1000 रुपया ले ले, परमात्मा अंगी कर दे, बेटा 500 रुपया ले ले, 5 साल में चले जा, बेटा 200 रुपया ले ले, भिखारी का बजा, तुमने कभी एबिलिटी देखी? फाइन एबिलिटी। आपके बेटे को तुमने तबाह कर दिया, उसमें बहुत एबिलिटी थी बहुत, मगर न तुम्हारा प्रेम मिला, न तुम्हारी प्रेरणा मिली, न तुम्हारा प्रोत्साहन मिला। 3 बात करना चाहता हूं, परिवार के किसी के सदस्य के हृदय में इसे जीवन में पड़ी हुई एबिलिटी को बाहर निकाला है, या तो प्रेम दो, या तो प्रेरणा दो, या तो प्रोत्साहन दो। टीका करने से, गाली देने से नहीं, कुछ नहीं होगा। यू कैन डू टू मच गुड। एक बार तो लाओ, मेरे गुरुदेव ने मुझे ये सब कुछ दिया था। संस्कृत की पहली बुक 11 बार किया, इतना कमजोर होने के बाद भी गुरुदेव ने कभी डांटा नहीं, डांटा तो भी प्रेम देख करके डांटा, रत्न सुनो तू बहुत कुछ कर सकता है, अपने आप को कमजोर मत माना, तेरे में बहुत कुछ पड़ा है, बहुत कुछ। हमारे एक अच्छाधिपति जय गोस्वामी थे, उनके पास प्रेम सुनी महाराज के पास एक ज्योतिष है, उसने बोला था कि ये मुनि को कभी श्लोक कंठस्थ करने में मत रोकना, वो हैरान हो जाएगा। श्लोक हमारी भाषा में जिन्हें कहा था कि मैं आभात मैंने अच्छाधिपति जय गोस्वामी पोते की दी थी, क्या नाम ज्योतिष जी, प्रेम सीमा के बाद जाके बोला था कि ये जो मुनि है ना, ये मुनि सब कुछ और कुछ पढ़ पाएगा मगर कभी श्लोक कंठस्थ नहीं कर पाएगा। और प्रेम सीमा ने मुझे ये कहा कि ज्योतिष ने कुछ भी कहा है, मैं तुझे कहता हूँ जयगोस गाथा करनी है और रोज की 200 गाथा कंठस्थ कर दे। दिस वॉज द एबिलिटी।